लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकता है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी खुद को हर लिहाज से सेफ मानकर चल रही है। ऐसे में पहले चरण में इन 18 सीटों या इनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सर्वे रिपोर्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदेश बीजेपी इन सीटों पर पैनल तैयार कर रही है, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। वही 7 सीटें ऐसी है जिसे बीजेपी आसान नहीं मान रही। इन सीटों पर चेहरा बदलना लगभग तय हो चुका है। इनके अलावा 8 ऐसी लोकसभा सीटें और हैं जिन पर भी बीजेपी नया प्रत्याशी उतार सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक पिछले सप्ताह 22 फरवरी को प्रदेश कार्यालय में हुई थी। उसके बाद 24 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शाह भी मौजूद रहे। अब एक बार फिर आज शाम को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हो सकती है। इस बैठक में दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में मिले निर्देशों के आधार पर प्रत्याशियों का पैनल सर्वसम्मति से फाइनल किया जा सकता है, जिसे दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जा सके। दिल्ली में 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में बीजेपी पहले चरण में देश भर की कई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसमें राजस्थान की भी कुछ सीटें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही बीजेपी प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को भी ए और बी कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया गया जिन सीटों को हर तरह से सेफ माना जा रहा है। एक कैटेगरी में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चुरू और राजसमंद लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं बी कैटेगरी में करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर और नागौर लोकसभा सीटों को रखा गया। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने नागौर सीट को आरएलपी के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी 25 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारेगी।